दोस्तों अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी मुझे लगभग 35 से 36 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए। कल हम लोग यहाँ से डाउन ट्रेन लेके निकले थे तो 12 से 13 घंटा लगा हमको जाने को। फिर आउट स्टेशन में 8 घंटा रेस्ट करके वहाँ से दूसरी गाड़ी लाए, तो दूसरी गाड़ी लाने के लाते लाते भी 12-13 घंटे हो गए और अभी मैं यहाँ रिलीफ हुआ हूँ। जो भी मेरे दोस्त लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्यूटी 8 से 10 घंटे में ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्यूटी जब लगती है तो हमको पता नहीं रहता कि प्रोग्राम क्या रहेगा। कई बार तो ड्यूटी हेडक्वार्टर में ही ख़त्म हो जाती है, मतलब जैसा सुबह की ड्यूटी लगी तो शाम तक घर आ जाते हैं 10-12 घंटे में, और कई बार तो आउट स्टेशन जाना पड़ता है। आउट स्टेशन जाने से मतलब 10-12 घंटे जाने में, 8 घंटा वहाँ रेस्ट करने में और वहाँ से 10-12 घंटे में गाड़ी लाने में, तो ऐसा करके ऑफ करने तक 35 से 36 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। और ALP में या लोको पायलट में तो ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, मतलब आप हेडक्वार्टर में आके ड्यूटी ऑफ करते हैं तो 16 घंटे रेस्ट के बाद आपकी ड्यूटी कभी भी लग जाती है। तो दोस्तों मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को इसमें लगने के पहले, लोको पायलट में ALP में आने के पहले कुछ पता नहीं रहता, टाइमिंग का पता नहीं रहता और ड्यूटी का शेड्यूल कैसा है वो पता नहीं रहता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होके आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है यार कि कुछ स्टार्टिंग में नए नए में ऐसा लगता है कि यार कहाँ आके मैं फंस गया, क्योंकि ड्यूटी में ऐसा होता है कि सुबह 3 बजे या रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, कई बार तो ऐसा होता है कि घर वाले सो रहे होते और हम लोग ड्यूटी की तैयारी करके ड्यूटी जा रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं इस जॉब में आया तो मुझे टाइमिंग का उतना पता नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत पता था, पर यहाँ आने के बाद जब रात को 2 बजे 3 बजे मुझे उठ के ड्यूटी जाना पड़ा तो थोड़ा सा दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, पर हाँ उसके कुछ दिन बाद तो मुझे हैबिट हो गई, कुछ महीनों बाद ड्यूटी में जाने की हैबिट। दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल एक पेज बनाया है जिसे कि आप जाके फॉलो कीजिए, और उस पर मैं अच्छे अच्छे मोटिवेशनल पोस्ट डालता हूँ, जिससे कि आप उस पोस्ट को देखेंगे तो आप थोड़ा बहुत उससे मोटिवेट होंगे, मोटिवेट होने से आप थोड़ा अच्छे से अपना पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो उस पेज को जाके आप फॉलो करिए। दोस्तों इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उस पेज को जाके वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी आपको जानकारी दी है, आपको अच्छी लगी होंगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।